as there are multiples of 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state by the total number of elected members of the assembly. Surplus B, if after taking the said multiples of 1000, the remainder is not less than 500, then the vote of each member referred to in the subclause A shall be further increased by 1. Subclause C, each elected member of either House of Parliament shall have such number of votes as may be obtained by dividing the total number of votes assigned to the members of the legislative assemblies of the states under the subclauses A and B by the total number of elected members of both houses of the parliament, fractions exceeding one half being counted as one and other fractions being disregarded. Clause 3, the election of the president shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and the voting at such election shall be by secret ballot. Explanation, sir? Yes. Haan ji, haan. Explanation. In this article, the expression population means the population as ascertained at the last preceding census of which the relevant figures have been published, provided that the reference in this explanation to the last preceding census of which the relevant figures have been published shall, until the relevant figures for the first census taken after the year 2026 have been published, be construed as a reference to the 1971 census. Okay, correct. आई थिंक आप लोगों ने एक बार देखा होगा, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। इस पूरे प्रोविजन को पढ़ने के बाद आप लोगों को कोई पॉइंट ऐसा रहा जो समझ नहीं आया? प्लीज, मैंने जितना आपको बताया है शायद ये आपको मैंने सब कुछ बता दिया इसमें से, और एक चीज़ सिर्फ छूटी थी जो आपने कहा था प्लस वन। क्यों सर? तो प्लस वन का मतलब क्या है? अगर कहीं पर भी फ्रैक्शन में क्या आता है, फ्रैक्शन में क्या आता है? रिमाइंडर होता है, उसका एक्सीडिंग वन हाफ से कम होता है। देखिए, जहां पर फ्रैक्शन एक्सीडिंग वन हाफ, आधे से ज्यादा आ रहा है वहां पर बंद कर लिया जाएगा, और आधे से अगर कम आ रहा है तो छोड़ दिया जाएगा, डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। एक ये रूल फॉलो किया जाएगा। दूसरा, आपने देखा कि बाकी सारी चीजें साथ डिस्कस कर दी हमने, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट, क्यों? आई थिंक बाकी तो आपने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, और एक चीज़ बची है कि जो पॉपुलेशन है, मैंने कहा ना 21 करोड़, तो किस बेस पे डिसाइड की जाएगी पॉपुलेशन, किस ईयर से माना जाएगा पॉपुलेशन को, बताइए? कब तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए कि ये वाली सेंसस मानी जाएगी? प्लीज, 2026 तक इसको फ्रीज किया गया है, किस अमेंडमेंट के जरिए? प्लीज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाई विच अमेंडमेंट The census was freezed for the election of president and vice president of India. That will be taken 42nd amendment. Please, ek baar dekhiye, one footnote kya hai? 84th amendment, please. Aishwarya? Sir? Nazar daliye, please, ek baar. Footnote ko bahut sahi se padha kariye aap log. Sorry, sir, explanation ka footnote it is the 84th amendment. Sorry, sir. Yes, 84th amendment act. Through 84th amendment, the census was fixed. Kitna fix kar di gayi? Haan ji. 2026 तक के लिए फ्रीज किया गया, और अब और कब तक माना जाएगा, कौन सी सेंसस से लिया जाएगा इसको? 1971 की सेंसस को यूज किया जाएगा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। इज इट क्लियर? अगर आज इलेक्शन होने लग जाए तो 1971 में जो पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन के हिसाब से एमएलए की वैल्यू तय की जाएगी। इज इट क्लियर? यस सर। कुड यू काइंडली रिपीट सर? एक्चुअली क्या है मैम, जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो आप लोग करंट पॉपुलेशन को समझते हैं, ठीक है? लेकिन जब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा तो आपको बोला ना कि ये पॉपुलेशन होगी स्टेट की, तो अभी 2011 में जो पॉपुलेशन आई है ना कि ये 21 करोड़ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की है, ये नहीं ली जाएगी। उस समय पॉपुलेशन कितनी थी 1971 में, वो पॉपुलेशन ली जाएगी।
जी सर, और ये 2026, यस 2026 तक मैम ऐसे ही इलेक्शन होते रहेंगे प्रेसिडेंट के, इन्होंने इसको फ्रीज कर रखा है और वो 84th अमेंडमेंट के जरिए फ्रीज किया गया। इज इट क्लियर? ठीक है सर। हाँ जी, एश्योर है? यस सर। कोई डाउट है? सर मेरे को वही सेम डाउट था जो मौसम को हो रहा था। हाँ जी। कि जैसे मतलब जो हम लोग एमपी का बात कर रहे थे, हाँ जी, उसमें जो उसका वैल्यू है वोट का, दैट इज टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट्स। यस। तो सर जितने भी स्टेट्स होंगे उनके एमएलएज का जो वैल्यू होगा वो तो सेम ही होगा, जब टोटल करेंगे, सम टोटल करेंगे एक ही चीज़ आएगी। और सर उसको जब इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से डिवाइड करेंगे तो सर सभी स्टेट का सेम नहीं आएगा। एक्चुअली एक्चुअली ऐसा है, जो आपने देखा ना कि ऑल स्टेट्स एमएलएस का क्या करेंगे, सम अप करेंगे वैल्यू। ऑल स्टेट्स मींस ऑल ओवर इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर जो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं उनकी अलग अलग वैल्यू निकल कर आई होगी। यस सर, निकल कर आई होगी ना। तो फिर एमपी सिर्फ नंबर लिख दिया गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप समझ रहे हैं, उसकी वैल्यू कैसे बराबर हो जाएगी? तुम्हारे यहाँ 5 सिर्फ एमपी है, हमारे यहाँ 80 एमपी हैं, कैसे बराबर हो जाएगी वैल्यू? जब टोटल मतलब वो ईच एमपी की जो अलग वैल्यू है, ईच एमपी की, प्लीज प्लीज, ईच एमपी की बात अगर कर रहे हैं तो ठीक है, एक एमपी की बराबर हो जाएगी वैल्यू, हर एमपी की वैल्यू बराबर। लेकिन आपके यहाँ एमपी भी तो 5 है ना, तो हर स्टेट के अलग अलग वैल्यू हो जाएगी ना, फिर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा ना बराबर। 80 एमपी यूपी में है, तो अगर एक एमपी की वैल्यू आई 50 एक एमपी की, तो हमारे यहाँ 80 है, 8×40 400 वोट हमारी वैल्यू हो गई। लेकिन अगर वो हरियाणा की है या वो हिमाचल प्रदेश की है तो क्या होगा सर? वो घट जाएगा वैल्यू, वैल्यू घट जाएगी। वहां पर 5 एमपी अगर हैं तो कितना हुआ, 25 250 हुआ, 250। यस तो ये वैल्यू। हाँ नयन प्लीज, आपने क्या कहा? सर उन्होंने लिखा है, सर मैंने आप ही की बात पे की, हाँ, कि अच्छा, वन मेंबर रिप्रेजेंटिंग 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन। यस यस, तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉपुलेशन आप 1971 से काउंट करिए और 2026 तक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को फ्रीज करिए, 1971 की पॉपुलेशन को इस्तेमाल किया जाएगा। 84th अमेंडमेंट हैज दिस कंडीशन। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, प्लीज, इसे कोई डाउट नहीं है। हाँ जी, कोई है सर जिसको डाउट है? प्लीज मैनर ऑफ इलेक्शन आप लोग समझ गए होंगे, एक बार इसको प्लीज दोबारा से पढ़ेंगे ना, जब आप गो थ्रू होंगे ना ये सेक्शन को, सॉरी आर्टिकल को, इसको जब आप गो थ्रू होंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपने जो ये फॉर्मूला लिखा है ना, दिस फॉर्मूला इज रिटन इन दिस पैराग्राफ, अगर मैं बार बार उसको पढ़ूंगा तो वही फॉर्मूला लिख करके आप लिख लेंगे। ऐश्वर्य? यस सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप क्लॉज 1, 2, 3, 4 अगर पढ़ेंगे 55 की आर्टिकल, तो आप क्या कर लेंगे, वही फार्मूला दिया गया है जो कि ओपन फार्मूला, क्योंकि मैथ नहीं आती हम लोगों को ना, समझ रहे हैं आप? यस सर, गॉट इट। तो हम लोगों को क्या है, ओपन फार्मूला किया गया है। अगर ये मैथ होती तो इसको ऐसे मैथ में लिखा गया होता जैसे आपको बताया है मैंने। ओके, यस सर, आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। तनुजा, कोई डाउट है प्लीज यहाँ पर मैनर के बारे में? नो सर। ओके करेक्ट, अब बात कर लेते हैं, ये आपने मैनर आपने डिस्कस किया, इसके साथ ही एक, अब इलेक्शन तो हो गया है, प्रेसिडेंट बन गया है आपका, आप बन गए हैं प्रेसिडेंट, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए कि हम हैं कितने साल के लिए और कब हम रिटायर हो सकते हैं, कब हम निकाले जा सकते हैं, किन कंडीशन में निकाले जा सकते हैं, प्लीज़। तो एक बार आर्टिकल 56 एंड 156 दोनों ही एक साथ, 56 एंड 156, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। देखिए समझाना बहुत टिपिकल हो जाता है कभी कभार, इसलिए प्रोविजन को थोड़ा सा आप लोग आज जैसे कि क्लास के बाद इसको गो थ्रू जरूर होइएगा, ठीक है, तो आपको और क्लियर आ जाएगा समझ में। हाँ जी, पढ़ें जनरली व्हाट इज द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट, कितने साल के लिए बनाया जाता है प्रेसिडेंट? 5 years। सोनाली प्लीज, हाँ बताइए। सर ये जो आपने कोटा ऑफ वोट्स इन प्रेसिडेंट इलेक्शन बताया हमने, हाँ जी, तो सर इसमें आपने बताया इलेक्टोरल कोटा इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड अपॉन 1+1=2 फिर ओवरऑल +1 कर दिया, ठीक है सर? हाँ जी। तो सर ये अपॉन 1+1=2 ये मतलब एक्चुअली जब आपने ये डायरेक्ट टू नहीं लिख सकते हैं, अगर कोई वैल्यू वोट की आ रही है और वो नहीं हो पा रहा है, क्यों, कितना फ्रैक्शन की बात कर रहा था ना
सर ये अपॉन नंबर ऑफ पोस्ट प्लस वन होता है। हाँ कितना होता है सर? अपॉन जैसे आपने लिखवाया था टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड अपॉन वन प्लस वन, तो वो वन प्लस वन, वन जो रहता है वो नंबर ऑफ पोस्ट रहता है प्लस वन रहता है, और फिर उसके बाद में होल का प्लस वन होता है। मैंने यही शायद प्रशांत बोला था, मैंने बोला शायद लिखने के लिए यही है, आप समझ रहे हैं सर? अपॉन में आपने वन प्लस वन बोल दिया था, वही कन्फ्यूजन इन लोगों। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पर वन प्लस वन है, आई एम वेरी सॉरी, अगर वो लिखा हुआ है ठीक है तो उसको वन प्लस वन कर लीजिए ठीक है, और एक बार इसको वेरीफाई भी कर लीजिए, ऐसी गलती अगर होती तो उसको एक बार देख लीजिएगा प्लीज़ ठीक है, ये फॉर्मूला आप देख लेंगे। हाँ जी सर, प्रशांत सही कह रहा है, मैंने भी ये लिखा हुआ था, वो वहीं लिखा है कि नंबर ऑफ बैलेट वोट्स कास्टेड अपॉन नंबर ऑफ सीट्स प्लस वन और इस होल का प्लस वन। हाँ यस, इसको प्लीज़ थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि जो लिखा गया है वहाँ पर थोड़ा सा बताने में ये बोर्ड पे तो है नहीं ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें मिस्टेक। हाँ, अब ये बात अगर हम करें कि टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अ प्रेसिडेंट, तो जनरली क्या टर्म है आपने बताया 5 ईयर्स, लेकिन क्या 5 साल से पहले प्रेसिडेंट बाहर जा सकता है क्या ऑफिस के? प्रशांत, इज देयर एनी सर्कमस्टेंसेस वेयर प्रेसिडेंट मे रिजाइन, रिमूव्ड, देयर लॉट ऑफ थिंग्स? जनरली क्या है 5 ईयर्स, प्लीज एक बार 56 रीड करेगा कोई, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। सो पढ़ूं मैं? हाँ जी, आर्टिकल 56, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। हाँ जी, क्लॉज 1, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। यस प्लीज हाईलाइट दिस वर्ड, एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, और जिस दिन वो इंटर अपॉन इज ऑफिस कर लेगा उसके बाद अगर इनवैलिडेट किया जाएगा इलेक्शन, तो उसने जो काम कर डाले हैं उन काम के लिए वो वैलिड, वो दैट फंक्शन विल नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, वो कहीं पर भी चैलेंज नहीं किए जाएंगे। हाँ, शैल होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, यस, प्रोवाइडेड दैट सब क्लॉज ए, यस, द प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट ओके ओके प्लीज। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए दो तीन तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज है, उनका अपॉइंटमेंट और रिमूवल क्या होता है, अपॉइंटमेंट और रिजिग्नेशन। अपॉइंटमेंट जिसने किया है, रिजिग्नेशन 80% उन्हीं को दिया जाता है, आपने सुना होगा ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में क्या है, आपको हटा कौन सकता है? जिसने आपको अपॉइंट किया है। लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल रिजिग्नेशन है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपना रिजिग्नेशन किसको देगा विद हैंड एंड सील, वाइस प्रेसिडेंट, एंड वाइस प्रेसिडेंट किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट। हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट विल गिव टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। यहां पर म्यूचुअली एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिजिग्नेशन देंगे ठीक, और ये जो इंफॉर्मेशन है किसको बताई जाएगी कि प्रेसिडेंट ने रिजाइन कर दिया है, बताइए, स्पीकर, स्पीकर को इंफॉर्मेशन दी जाएगी, स्पीकर इंफॉर्मेशन किसको देगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कह देगा कि देखिए आप लोगों ने इलेक्ट किया था, ये भाई साहब ने तो रिजिग्नेशन दे दिया, दूसरा अपॉइंट करिए आप लोग फिर क्यों। तो ये जो रिजिग्नेशन है म्यूचुअल रिजिग्नेशन है, आपने देखा कि फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस फॉर 5 ईयर्स एंड प्रोवाइडेड ही मे रिजाइन विद इन 5 ईयर टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे सकता है विद हिज हैंड एंड सील, he can deliver his resignation to the vice president of india and vice president of india can give resignation to the president of india, abhi aage milega wo, lekin second clause kya kehti hai, may be removed from his office, wo forcefully bhi remove kiya ja sakta hai apni office se, ek to man se kya voluntarily resignation and involuntarily resignation, fir ab kya hai ye removal kya hai, removal kya hai, फोर्सफुल मतलब फोर्सफुल वायलेशन, वैकेशन करेगा अपनी सीट को, वैकेट कराएंगे, तो प्लीज ये किस प्रोविजन में दिया, कहां पर दिया गया है ये, मे बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस अंडर सेक्शन, अंडर आर्टिकल 61 इंपीचमेंट। अच्छा, ये प्रोसेस है इंपीचमेंट का ठीक है, और एक बार प्लीज वहां पर जाकर के एक बार देखिएगा 61 को ओपन करेगा कोई भी, अभी यहीं पर जो ये रिमूवल है, ये रिमूवल कैसे होगा और साइड में एक कॉलम बना लेंगे
मैं कुछ स्टेज बता देता हूँ, स्टेज के मुताबिक आप लिख लेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा, आपको याद भी रहेगा और आपका काम भी हो जाएगा इससे। क्योंकि अभी आपने देखा ना कि पहली चीज़ फॉर 5 ईयर्स सेल होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स प्रोवाइडेड ही मे रिज़ाइन टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर रिज़ाइन कर देता है तो कोई बात नहीं है। सेकेंड ही मे बी रिमूव, रिमूव किया जा सकता है, किस काम में रिमूव किया जा सकता है, फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही मे बी रिमूव। एंड उसका एक प्रोसेस है जो कि कहां पर दिया गया है, अंडर सेक्शन अकॉर्डिंग विद आर्टिकल 61, आर्टिकल 61। यस प्लीज प्लीज नोट डाउन, एक स्टेप बाय स्टेप नोट कर लेंगे इसको, साइड में लिख लीजिए बस, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट अंडर इन अकॉर्डिंग विद 61। पहला, लोकसभा इनिशिएट एंड इंपीचमेंट चार्ज, लोकसभा इनिशिएट्स एंड इंपीचमेंट चार्ज। प्लीज अब यहां पर एक क्वेश्चन होता है कि ईदर ऑफ द हाउस कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग, प्रेसिडेंट को हटाने की प्रोसीडिंग कौन कर सकता है, लोकसभा, लोअर हाउस, नहीं नहीं ईदर ऑफ द हाउस, प्लीज ईदर ऑफ लोकसभा, क्या लिखा है प्लीज एक बार, प्लीज 61 में रीड करिएगा, लोकसभा या राज्यसभा में से दोनों कर सकते हैं या एक कर सकता है इनिशिएट मोशन, तो पहले सबसे पहले आप लोकसभा का देखेंगे एक प्रोसेस, लोकसभा का, लोकसभा इनिशिएट्स एन इंपीचमेंट चार्ज, द इंपीचमेंट चार्जेस आर साइंड बाय द 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, जो इनिशिएशन किया है ना, जो इनिशिएट किया है ना मोशन, दैट विल बी साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ दैट हाउस, कितने मेंबर होने चाहिए साइन किए हो, सेकेंड पॉइंट इज मैम प्लीज, इनिशिएशन ऑफ मोशन ऑफ इम्पीचमेंट बाई लोकसभा विद द सिग्नेचर ऑफ 1/4 ऑफ इट्स मेंबर्स, इसके नीचे इनिशिएशन ऑफ इम्पीचमेंट प्रोसेस बाई लोकसभा विद 1/4 ऑफ इट्स मेंबर विद द साइन ऑफ 1/4 मेंबर्स ऑफ इट्स 1/4 मेंबर्स, 1/4 मेंबर किसके होंगे, ये लोकसभा के ही 1/4 मेंबर्स क्या करें, लिखित में दे कि हाँ मोशन स्टार्ट किया जाए। देवेंदु सर एक चीज पूछनी थी, ये जो 1/4 मेंबर्स हैं, हाँ जी, ये सब प्रेजेंट एंड वोटिंग है कि टोटल मेंबरशिप है, जी नहीं प्रेजेंट वोटिंग से मतलब नहीं है, उसमें से 1/4 लोगों को ढूंढ लीजिए आप, मेरी बात समझ रहे हैं, 1/4 लोग जो हैं, जैसे कि अगर लोकसभा में कितने इस समय मेंबर्स हैं, कितनी सीट है लोकसभा, 500 रख लेते हैं इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया है इलेक्टेड या नॉन इलेक्टेड, ठीक है, ऐसा नहीं दिया है, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, और क्या है, ईदर हाउस क्या कर सकता है, 1/4 ऑफ इट्स मेंबर्स, 1/4 मेंबर्स एक साइन कर दे दें कि मोशन स्टार्ट किया जाए इंपीचमेंट का, जिस भी हाउस में स्टार्ट किया गया उस हाउस के 1/4। सेकेंड, लोकसभा पासेस द इंपीचमेंट चार्ज विथ 2/3 मेजोरिटी एंड सेंड इट टू राज्यसभा, अब क्या होगा, ये 1/4 मेंबर मोशन स्टार्ट करेंगे, और उस अगर लोकसभा में स्टार्ट हुआ है तो लोकसभा के कितने मेंबर्स, कितने परसेंट, 2/3 मेजोरिटी, हाँ जी 2/3 मेजोरिटी, लोकसभा पासेस द इंपीचमेंट चार्ज विथ 2/3 मेजोरिटी एंड सेंड्स इट टू द राज्यसभा, नाउ राज्यसभा विल इन्वेस्टिगेट द केस, स्टेप चेंज करेंगे, नाउ राज्यसभा विल क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट द केस, ओके, इन ड्यूरिंग प्रेसिडेंट कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग, अगर इन्वेस्टिगेशन होगा तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अपने आप को क्या कर सकता है, वो उस प्रोसीडिंग में क्या कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, अपने को डिफेंड करने के लिए जो भी करना हो उसको बता सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है प्रेसिडेंट उस ड्यूरिंग प्रोसीजर। इसके बाद क्या है, राज्यसभा एग्रीज टू द चार्जेस
Rajyasabha agrees to the charges and passes it with two-third majority and president stands removed. इसमें एक चीज और छूटी है. हाँ जी, एक चीज और इसमें two-third majority and president stands removed. तो यहाँ पर एक चीज जो छूटी है बीच में, आप नोट कर लेंगे कि 14 दिन पहले नोटिस दी जाएगी किसको, किसको दी जाएगी? प्रेसिडेंट. अगर कोई मोशन स्टार्ट करना चाहता है, इधर हाउस ऑफ द मेंबर, इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट वांट्स टू इनिशिएट इम्पीचमेंट प्रोसेस, दे मस्ट इन्फॉर्म टू द प्रेसिडेंट बिफोर 14 डेज ऑफ नोटिस. यस, एटलीस्ट 14, 14 दिन एक टाइम पीरियड लिखा गया. प्लीज 51 को एक बार रीड कर देगा कोई भी, वर्ड टू वर्ड रीड कर देगा, आपको क्लियर हो जाएगा. और हाँ जी, प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट क्लॉज 1, व्हेन अ प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चार्ज. ग्राउंड, ग्राउंड साइड में ग्राउंड लिख लें. ग्राउंड क्या है? ओनली ग्राउंड, ओनली वन ग्राउंड. यहाँ पर प्रूव मिस बिहेवियर नहीं है, याद रखिएगा. यहाँ पर क्या नहीं है? Misbehavior. कोई भी ना बिहेवियर है ना ही मिसबिहेवियर है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर दोनों ही नहीं. यहाँ पर सिर्फ ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड ओनली फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो अदर ग्राउंड्स. प्लीज. हाँ जी. द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट क्लॉज 2, नो सच चार्ज शैल बी प्रेफर्ड अनलेस ए द प्रपोजल टू prefer such charge is contained in a resolution which has been moved after at least 14 days notice in writing signed by not less than 1/4 of the total number of members of the house has been given of their intention to move the resolution. Please, please, yahan par ruk jaiye. Kisi bhi tarike ka charge nahi lagaya jayega president ke upar impeachment ka, koi nahi laga sakta hai jab tak kya nahi kiya jaye, ek resolution pass na kiya jaye, resolution mein us house ke kitne 1/4 members sign na karke dein aur 14 दिन की नोटिस ना प्रेसिडेंट को दी जाए उस रेजोल्यूशन के बाद, तब तक कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं लगाया जाएगा. इज इट क्लियर? यस सर. हाँ जी. यस प्लीज. सो बी सच रेजोल्यूशन हैज बीन पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. प्लीज, यहाँ पर क्या मेजॉरिटी है? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, नॉट प्रेजेंट. कोई प्रेजेंट वर्ड नहीं है, सॉरी, ध्यान दीजिएगा. टोटल मेंबरशिप जितनी है उस हाउस की, उसका कितना? 2/3 मेंबर अगर उसमें क्या कर दें, अप्रूव कर दें, तो ठीक है, पास हो गया, उसको भेज दिया जाएगा कहां पर? दूसरे हाउस में. प्लीज रीड करिए. थर्ड. सो क्लॉज 3, व्हेन अ चार्ज हैज बीन सो प्रेफर्ड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट द अदर हाउस शैल इन्वेस्टिगेट द चार्ज और कॉज द चार्ज टू बी इन्वेस्टिगेटेड and the president should have the right to appear and to be represented at such investigation. Okay, it means agar Lok Sabha ne proceeding initiate ki thi to charge kaun investigate karega? Sir, Rajya Sabha. Aur Rajya Sabha ne agar shuruaat ki thi to, agar Rajya Sabha ne shuru ki thi to Lok Sabha. Aur president ko kya power hai? Wo Lok Sabha. Haan, president ko participate in, participate and represent himself. Theek hai, usme participate kar sakta hai. Correct. Next, please. So clause 4, if as a result of the investigation a resolution is passed by a majority of not less than 2/3 of the total membership of the house by which the charge was investigated or caused to be investigated, declaring that charge preferred against the president has been sustained, such resolution shall have the effect of removing the president from his office as from the date on which the resolution is so passed. हाँ जी. जिसने इन्वेस्टिगेशन किया चार्ज का, और अगर उसने पाया चार्ज सही है और अप्रूव कितने परसेंट में लोगों ने कर दिया उस हाउस के? 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप उस हाउस के जिसने इन्वेस्टिगेट किया, तो ये माना जाएगा कि वो पक्का हो गया. क्या पक्का हो गया? इम्पीचमेंट. इम्पीचमेंट का ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ. प्रेसिडेंट स्टैंड्स क्या होगा? रिवोक. Is it clear to anyone, please? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? प्लीज वापस आ जाते हैं हम लोग. कहाँ पर आ जाएंगे वापस? हाँ जी.
term of the office of the president. First general term is a 5 year, president cell in the office for 5 years, and provided he may resign to the vice president of India, he may be removed accordance with article 61. And uske baad please dusri cheez kya hai, third thing kya hai please. So clause C, the president shall, notwithstanding the expiration of his term, continue to hold the office until his successor enters upon his office. Okay, जब तक कि प्रेसिडेंट काम करेगा, 5 साल के बाद भी वो काम कर सकता है, अगर क्या हुआ, अगर सक्सेसर नहीं आता है, अगर पीछे से जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुआ था और वो जब तक नहीं बागडोर थाम लेता है देश की, तब तक वही काम करेगा. ठीक है, टर्म क्या है, बढ़ जाएगा ना, 5 साल एक दिन हो गया, और अपॉइंटमेंट होना, प्रेसिडेंट को इलेक्शन होना था लेकिन नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो प्रेसिडेंट क्या 5 साल के बाद अपना झोला लेकर के चल देगा घर, कहेगा भाई मैं तो चलता हूँ, मेरा काम हो गया, 5 साल का मैं था प्रेसिडेंट, अब चलता हूँ मैं, पैसा देंगे नहीं आप हमको, क्यों मैं काम करूँ यहाँ 5 साल के बाद, क्यों, सैलरी तो 5 साल की देंगे ना आप, बताइए. हाँ जी, यस सर. तो लेकर के झोला अपना चल देगा क्या, नहीं चलेगा. Yes, उसका टर्म क्या हो जाएगा, एक्सटेंड होगा, वो तब तक रहेगा प्रेसिडेंट के ऑफिस में जब तक दूसरा प्रेसिडेंट नहीं आ जाता है उसकी ओथ लेने के लिए, या फिर इंटर नहीं करता उस ऑफिस में. इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट दीज. हाँ जी, क्लॉज टू, एनी डेजिग्नेशन एड्रेस्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज ए ऑफ द प्रोविजो टू क्लॉज वन shall forthwith be communicated by him to the speaker of the house of the people. Okay, हाँ जी, ये resignation किसके जरिए दिया जाएगा? हाँ वैसे सॉरी, आपने कुछ बताया था हमें, प्रेसिडेंट को देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा या स्पीकर को देगा? वाइस प्रेसिडेंट. Any resignation addressed to the vice president under clause A of the proviso or to clause 1 shall forthwith be communicated by him to the speaker of the house of people. Address to the vice president. ये speaker क्या postman का काम करेगा? वो खुद नहीं जाएगा देने ना? क्यों? दिवेंदु? Sir, it means that any resignation which is tendered by the president to the vice president shall be communicated to the speaker by the vice president. नहीं, that नहीं. The vice president shall. फिर से एक बार read करिए. All right. Any resignation addressed to the vice president under clause A of the proviso to clause 1. कोई भी resignation जो कि address किसको किया गया है? अरे आपने पते पर क्या लिखा है? To the president of India. आप समझ रहे हैं? Yes. आपने लिफाफे पे क्या लिख दिया है? To the president of India. तो आप देने जा रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या आप पोस्टमैन को डालते हैं? क्यों? पोस्टमैन को देंगे ना. तो इन्होंने कहा है ना कि एनी रिजिग्नेशन एड्रेस्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज ए ऑफ द प्रोविजो ऑफ क्लॉज 1 शैल फोर्थविथ बी कम्युनिकेटेड बाय हिम. उसके जरिए कम्युनिकेट किया जाएगा किसको? टू स्पीकर, टू द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल. स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल विल कम्युनिकेट दैट थिंग. आप समझ रहे हैं? ये किसको कम्युनिकेट किया जाएगा? एड्रेस कर देंगे आप, जो भी लेटर रिजिग्नेशन देंगे लिखेंगे उसको, सेवा में श्रीमान वाइस प्रेसिडेंट महोदय, निवेदन है कि मैं 5 साल से पहले ही ये घर छोड़कर जा रहा हूँ. क्यों? और ये किसको देंगे आप? वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ, नहीं नहीं सॉरी ऐश्वर्य, कैसे वाइस प्रेसिडेंट को दे देगा? आपको लगता है स्पीकर ऑफ लोकसभा को देगा? स्पीकर करेगा ना वो. ये किसको इन्फॉर्म करना है? स्पीकर. अरे साहब, आजकल यही तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ना, कि आप लोग ये आज तक पढ़ते आए हैं कि रिजिग्नेशन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा. अरे वाइस प्रेसिडेंट को देगा कैसे, जब इतनी बड़ी अथॉरिटी नीचे वाली अथॉरिटी को जाकर के देगी? तनुजा. यस सर. प्रेसिडेंट सर, जैसे सर कॉलेज की प्रेसिडेंट. हाँ गोल्डेन, प्लीज क्वेश्चन प्लीज रेज करेंगे आप अपना.
कंफ्यूजन तो होगा ही सर, क्योंकि यहाँ पे सर ये ले सकते हैं। हाँ जी बताइए क्या कह रहे हैं सर, हम ये एग्जांपल रख सकते हैं सर, जैसे अगर हमें वीसी को कोई लेटर देना हो तो सर उसके सेक्रेटरी के ही थ्रू हम वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे सेक्रेटरी का रोल तो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, और सर जो वीसी हो गए यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हो गए। सर हम एड्रेस तो कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट को ही कहीं ना कहीं। गुरलीन आपका क्वेश्चन प्लीज। सर यहाँ सब क्लॉज ए में लिखा है दैट प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को क्यों दे रहे हैं अगर स्पीकर? एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट प्लीज गुरलीन, एड्रेस का मतलब समझती हैं आप? आप लिफाफे, यस आप सर। अंदर जो लेटर आप लिख रहे हैं उसको किसको एड्रेस कर रहे हैं? ओके सर, टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू वो द ऐसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लिखेंगे। इंडिया आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम दिस पोस्ट, ओके, एंड लिफाफा बंद किया, किसको कम्युनिकेट कर दिया? स्पीकर को। स्पीकर क्या करेगा? उस लिफाफे को ओपन कर देगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के सामने। वाइस प्रेसिडेंट हैज पावर, वो एक्सेप्ट कर लेगा रिजिग्नेशन, दैट्स इट, खत्म। एड्रेस करना और देने जाना अलग चीजें हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात? आपको समझ रहे हैं ना? स्पीकर इज अ मीडियम, करेक्ट। ये एड्रेस करेंगे क्योंकि अथॉरिटी के कौन, अच्छा ये बताइए, टू द डीन फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो डीन फैकल्टी ऑफ से आपकी बात होती है क्या? क्लर्क काम करके देता है आपको, आप एप्लीकेशन किसके नाम लिखते हैं? टू द डीन फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, या टू द डीन फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो डीन नहीं कुछ करती हैं, आप एड्रेस डीन को करते हैं और वो वहां तक चैनल से जाकर के साइन होके आ जाता है वापस। लेकिन आप देते किसको हैं जाकर? जो एक आदमी बैठा हुआ है उस काम के लिए, उस आपको ले जा करके क्या कराएगा, साइन कराएगा, दिखाएगा, लेकर वापस आएगा। तो स्पीकर इन्फॉर्म करेगा, ये इसीलिए दिया गया है, ये स्पीकर को किया जाएगा। और स्पीकर की ड्यूटी क्या बनती है? कि वो पूरी पार्लियामेंट में इसको क्या करे, बता दे कि भाई प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दे दिया है। Is it clear? Yes, sir. हाँ, तो ये आपने देखा कि इस तरीके से रिमूवल होगा प्रेसिडेंट का और रेजिग्नेशन हो जाएगा। इसके बाद 56 में आपने एक देखा था, और भी कुछ है इसके अलावा? हाँ जी बताइए। नथिंग इज देयर आई थिंक, एश्योर है सोनाली? इस तो सिर्फ दो ही क्लॉजेस हैं सर इसमें। सर रिमूवल ऑफ इम्पीचमेंट में सर मेरा एक पॉइंट सर फर्स्ट वाला रह गया सर, सेकंड पॉइंट सर मैंने लिखा है लोकसभा पासेस द इम्पीचमेंट चार्ज। देखिए आप वहां पर ये लिख दीजिए, ईदर ऑफ द हाउस कैन इनिशिएट द मोशन, और फिर उसके बाद कोई भी लिख दीजिए, वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, करेक्ट। ईदर ऑफ द हाउस कैन इनिशिएट द मोशन और अदर हाउस विल इन्वेस्टिगेट द केस, करेक्ट। अगर लोकसभा ने मोशन शुरू किया, ये एक जगह, हाँ सर ये इम्पीचमेंट चार्ज साइन बाय 1/4 मेंबर ऑफ ये दैट वन हाउस, फोर्थ वन फोर्थ वन फोर्थ मेंबर ऑफ द हाउस विच इनिशिएट द प्रोसीडिंग। लोकसभा ने अगर इनिशिएट किया तो 1/4 लोकसभा के, राज्यसभा ने इनिशिएट किया तो 1/4 राज्यसभा के, करेक्ट। ओके सर, ओके सर, हाँ। सो आई थिंक दिस कंप्लीटेड। इसके साथ ही मैंने क्या बताया था, टर्म प्रेसिडेंट का टर्म आपको पता चला ना, इसी साथ ही गवर्नर का क्या टर्म है प्लीज? 56 स्लैश आपने क्या लिखा था आर्टिकल 156, यस। एक बार स्टेट में आप देख लेंगे कि आपके एग्जीक्यूटिव जो स्टेट के हैं उनका क्या टर्म रहेगा। हाँ जी रेड 156 आर्टिकल 156 आर्टिकल 156 टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर क्लॉज 1 द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट क्लॉज 2 द गवर्नर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस यस क्लॉज 3 सब्जेक्ट टू द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल अ गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स from the date on which he enters upon his office. Okay, generally provided, generally what is the term of a governor? So 5 years during pleasure of president. No, no, aapne dekha ki governor shall hold office
ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या टाइम पीरियड है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट तो एक ऐसी चीज़ है कि जो कि कभी भी हटा देगा, लेकिन एक नॉर्मल सब्जेक्ट टू द फॉरगोइंग प्रोविजन उन्होंने कहा कि सेल होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स, 5 साल क्या है ये मिनिमम पीरियड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चाहेगा तो 5 साल के बाद अगर प्रेसिडेंट चाहता है तो फिर से आगे बढ़ा लेगा, क्यों? आप समझ रहे हैं? तो सेल होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स एंड इट इज अ सब्जेक्ट टू द फॉरगोइंग प्रोविजन। फॉरगोइंग प्रोविजन क्या कहता है? सब्जेक्ट टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट है। एंड अगर वो चाहता है रिजाइन करना तो किसे रिजाइन करेगा? प्रेसिडेंट को एड्रेस करेंगे लेटर। प्रेसिडेंट को एड्रेस कर सकता है रिजिग्नेशन लेटर, यस। एंड इसके बाद क्या करेगा? हाँ जी, और कोई प्रोविजन? नहीं सर, उसके आगे प्रोविजन था, एक मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। थर्ड क्लॉज है, सब्जेक्ट टू द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल अ गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट on which he enters upon his office, provided that a governor shall notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon his office. Okay, please. आपने generally देखा है क्या? General term is of 5 years and there is a one condition that is the president shall hold office during the pleasure of the president, correct? And he may address his resignation to the President of India and continue until his successor comes and enters into his office, enters upon office. और उसके बाद ही एक चीज़ और है, वो क्या है प्रोविजो में? हाँ जी, जिस तरीके से प्रेसिडेंट एकदम से छोड़कर ऑफिस नहीं भाग जाएगा, वैसे ये क्या है, गवर्नर क्या करेगा? So he'll also stay back unless the successor arrives. Yes, correct. तो इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं है। तो 56 एंड 156, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर। ओके, आई थिंक दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज, कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आया हो? हाँ जी, अब बात करते हैं हम टर्म की। आपने बात कर ली है तो ये इलेक्शन की बात हो गई, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही कंडीशंस भी हैं। देखिए, आपने क्वालिफिकेशंस लिखी थी, याद है? क्वालिफिकेशंस yes, क्या है? बिफोर इलेक्शन है क्वालिफिकेशन, क्यों? yes, sir. और जो कंडीशंस हैं वो इलेक्शन में, आप हो गए प्रेसिडेंट, आपके ऊपर कंडीशन बाद में भी लगाई जा सकती हैं, क्यों बताइए? yes, sir. अगर आपने, कंडीशन कैसी है? कंडीशन ऐसी हैं जो कि आप प्रेसिडेंट हो गए हैं, आपके ऊपर कंडीशन लगाई जा सकती है। जैसे जैसे ही आप प्रेसिडेंट होंगे, वैसे ही किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर अगर हैं तो आप क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? जैसे ही प्रेसिडेंट इलेक्ट होंगे क्या करेंगे? सीज हो जाएंगे आप वहां पर। यस, सीजस टू बी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कुछ कंडीशन हैं, प्लीज, 158 and 59 slash 158। इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि हमने क्लासिफाई करके डिस्कस करना है। एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, जुडिशियल पावर क्या है, फाइनेंशियल पावर क्या है, डिप्लोमेटिक पावर क्या है, मिलिट्री पावर क्या है, इमरजेंसी पावर क्या है। ओके, क्या करेंगे डिस्कस हम लोग? पावर्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों का ही पावर डिस्कस कर लेंगे एक साथ ही, और आई थिंक एग्जीक्यूटिव कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। हम जुडिशियरी की बात करेंगे इसके बाद, दूसरे ऑर्गन की, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को समझ में आया होगा? यस सर। काफ़ी चीज़ें आप लोग रिवाइज कर लेंगे, इन्हें भूल जाएंगे, और ये जो आपने प्रोसेस रखा है इस तरीके से आपको बहुत सारे आर्टिकल्स आपको आपके टिप पर आ जाएंगे, करेक्ट? ऐसा है या नहीं है सस्ती? Yes, sir. आप लोगों को याद हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ प्रोविजंस? संजीव सर, हो रहा है। यस सर, कुछ नई चीजें आपको जानने को मिल रही हैं या किताबी पुराना ही बस है वो जो इधर उधर कॉन्सेप्ट क्लियर हुए जा रहे हैं सर? वैसे बड़ा टफ लगता था। हाँ बिल्कुल, ये पढ़ना बहुत टफ होता भी है एक्चुअली, टाइम देना पड़ता है और टाइम कोई नहीं देता आज के जमाने में। तो ऐसे ही फिर एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट का मतलब हो जाता है जाकर के आप पकड़ा रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। एड्रेस टू द प्रेसिडेंट मीन्स स्पीकर को दे दीजिए, पहुँचा देगा वो,
जिसको एड्रेस करना है उसके एड्रेस पे पहुंच जाए। क्यों तनुजा? क्यों तनुजा? यस सर। जिसके एड्रेस पे पहुंचना है वहां पहुंच जाए, दैट्स इट। आपको एड्रेस करना है वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट पावर रखता है रिजिग्नेशन एक्सेप्ट करने का, बस वहां तक इन्फॉर्मेशन हो जाए, दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, ये बिल्कुल आप इस तरीके से पढ़ा रहे हैं सर। कल ही मैंने अभी सीपीसी में स्टेजेस ऑफ ट्रायल किए हैं सर, बिल्कुल मतलब सेम वही चीज लग रही है सर। मतलब एक्चुअली आपको बहुत ऑसम लेवल का लगा मुझे स्टेजेस ऑफ ट्रायल सर। हाँ सेम ये भी लग रहा है वैसा ही बिल्कुल। अगर आप लोगों को ये याद रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि रिविजन करेंगे तो याद रहेगा, वरना मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूँ भूल जाएंगे। तनुजा, संजीव, अगर आप लोग रिविजन नहीं करेंगे ना सब भूल जाएंगे। भारत का कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं है, सुनिए सुनिए मैं आपको बता देता हूँ, इस देश में कोई टीचर अपने आप को ये नहीं कह सकता है ना कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ। वो पढ़ना छोड़ देना, लिख कर देता हूँ कि फिर वो ब्लफ करना शुरू कर देगा। समझ में आया? क्या करेगा वो क्लास में? अगर वो पढ़ना छोड़ दे और सोचे कि मैं क्लास ले लूँगा तो मैं लिख कर देता हूँ क्लास में, वो ब्लफ करेगा, बच्चों को मूर्ख बना सकता है। नॉलेज तो पक्का श्योर नहीं दे सकता, इसलिए बच्चे और कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो खुद भूल चुका होता है। दूसरी चीज़, बच्चों को कुछ नहीं पता होता है, उसे उल्टा सीधा जो पता होता है ना इधर उधर का, वो बच्चों को बता करके निकल लेता है अपना टाइम वेस्ट करके। वो अपना टाइम क्या करता है, काटता है जो भी है। तो ये क्या है कि ब्लफ नहीं, अब प्रोविजन दिया गया है, ये इतनी अच्छी वेरिएट दी गई है, अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, आप इसको अपने मन से पढ़ना शुरू कर देंगे, पता है। और इससे अच्छी बेरेक मुझे आज तक कोई नहीं लगी। मैंने वर्ड टू वर्ड इस बेरेक को पढ़ा है, तो आप समझिए कि आपको आपका स्पेसिफिक नॉलेज, जैसे आप आज आपने देखा कि ये एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, तो ये एड्रेस को अब आप देखेंगे, अच्छा मैं आज तक क्या समझ रहा था और क्या निकला, ये क्यों समझ रहे हैं आप? Yes, तो आपको इन चीजों को अगर वेरीफाई करेंगे ना तो आपको दिखने को मिलेगा फिर कहीं। इसलिए जो भी है आप लोग रिवीजन जरूर करिए। और मैं लिख कर देता हूँ कि सीपीसी में कल देख, मैंने आपको बताया अभी 1000 क्वेश्चन में से कम मुझे लगता है 800 क्वेश्चंस मैंने, मुझे लगता है सब क्वेश्चन डिस्कस कर डाले हैं जो पढ़ाते समय मैंने जो टिक बता दिया ना आपको, क्योंकि ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। 800 में 800 क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे ना सीपीसी का, मैं लिख कर देता हूँ आप लोग जितने लोग हैं यहाँ पर सीपीसी का, अगर 800 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहेंगे सर ये 800 क्वेश्चन आपने डिस्कस किए, कोई क्वेश्चन छूटा ही नहीं है। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, रिवाइज करिए, कंटेंट को रिवाइज करिए, ठीक है? ओके सर। हाँ, ये रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत नॉलेज और वो रिटेन रहेगा फिर, आपको पता है किससे बात करेंगे तो आप बताएंगे उसको, और ये रिटेन नहीं रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं होता है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, लेट्स मीट एट 6 AM आई थिंक, ओके? और प्लीज एक रिक्वेस्ट है, आप लोग टाइम से आ जाया करिए, मुझे बार बार मुझे जितना डिस्टर्ब करोगे उतना गलत पढ़ाऊंगा मैं, पता है क्या करूंगा मैं, जितना मुझे डिस्टर्ब करेंगे उतना ही मैं गलत पढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरा दिमाग ही नहीं काम करेगा। आप बीच में कुछ भी करेंगे ऐसी हरकत जिससे डिस्टर्बेंस होगा ना, तो उसको ठहराव चाहिए होता है, पता है। आप वायलिन के ऊपर या फिर किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जैसे नहीं रख देते हाथ तो काफ़ी देर तक, मतलब फिर वो क्या करता है, क्या करता है, वाइब्रेट वाइब्रेट होता है। हाँ, तो वो ऐसे ही वाइब्रेट होता रहता है, फिर वो जब तक शांत नहीं हो जाएगा ना तब तक अच्छी चीज़ मैं कर ही नहीं कर सकता हूँ, खींच ही नहीं सकता हूँ कोई भी, क्योंकि मुझे एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है ना। अच्छा ये प्रोविजन है तो आपको वहाँ बता देता हूँ ये कहाँ पर दिया गया है, मुझे भी कुछ चाहिए होता है एक टाइम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड लेट मीट एट 6 AM। सर सर एक सेकंड। हाँ हाँ यस यस प्रशांत प्लीज। सर मेरे पास एक ये हिंदी की बेयर एक्ट है। हाँ हाँ। तो इस पे ये जो 56 का 2 वाला दिया है। हाँ हाँ। इसमें लिखा है उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत दी जाएगी। उसके द्वारा लोकसभा को तुरंत दी जाएगी, इसका मतलब क्या? संबोधित, संबोधित मतलब एड्रेस, आप समझ रहे हैं, संबोधित रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन त्याग पत्र, रेजिग्नेशन त्याग पत्र, संबोधित प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कहाँ, कहाँ दी जाएगी? लोकसभा के अध्यक्ष को तुरंत। तो यही बात, यही बात तो हम डिस्कस कर रहे थे वहाँ पर, जो आपने बताया सर वही हिंदी में भी लिखा हुआ है। सेम ही चीज है, सेम ही चीज है।
ठीक है। हाँ सर, वो ट्रांसलेटेड वर्जन है इसीलिए कंफ्यूजन होता है। नहीं नहीं कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ, यहाँ मतलब हिंदी इंग्लिश थोड़ी ठीक है, ऐसी खराब नहीं है मेरी, तो इसलिए ऐसा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर लिखा हुआ है सर। हाँ, वही है इसलिए आपको ये देखिए, आप अपनी इंग्लिश का भी इस्तेमाल करिए ना, इज आर एम वाज वर जो आपने पढ़ा है ना, इसका भी इस्तेमाल करिए। अंग्रेजी भी देखिए टेस्ट करके कि क्या अर्थ निकाल रहे हैं हम उसका। अब ऐसा तो नहीं सुनते चले आ रहे हैं, किसको दिया जाएगा? प्रेसिडेंट को। ये रट्टाफिकेशन है, आप समझ रहे हैं मतलब क्या है? कि वो यूट्यूब पर आओ पांच क्वेश्चन दिखाते हैं जो जिससे निकलेगा आपका जेआरएफ, निकलेगा आपका यूपीएससी, निकलेगा आपका, तो यही क्वेश्चन आते हैं ना। सर अभी तो सर तुक्का कैसे मारते हैं ये भी सर वीडियो आने हाँ, लग गई तो है। इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं, बिलीव करिए कागज पर, लेटर्स पर बिलीव करिए, सिर्फ मेरे ऊपर भी नहीं, किसके ऊपर? जो ये लेटर्स है ना, हाँ इन लेटर्स पर बिलीव करिए जो लिखा गया है, आप उसका इंटरप्रिटेशन और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, नई चीजें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज। और सुबह मॉर्निंग की क्लास में आप लोग मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।